चाहता हूँ अपनी बेटी की नज़र में हीरो बनकर दिखाऊँ एक दिन। हमने हिंदी पढ़ाई की है, ज़्यादा नहीं की है, 8वीं तक किया है, इसीलिए कि पापा विकलांग थे, ज़्यादा पढ़ा नहीं पाए। हम 6 भाई 2 बहन हैं। बेटी को कहाँ तक पढ़ाने का सोचा है? जहाँ तक पढ़ा सके। देखिए, कम से कम सोचते हैं डॉक्टर बनने का सपना है मेरा, डॉक्टर बनाए बेटी को। अच्छा, कोई आते हैं ये भीख मांग रहा है, ये भीख मांगने का नया तरीका है, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो हर चीज़ को सहना पड़ता है। इसके पहले हम नोएडा में जॉब करते थे, तो कहीं जॉब करते थे, कहीं सैलरी नहीं मिली, मतलब ये प्राइवेट जॉब, हम चाइनीज़ फास्ट फूड का सेफ भी रह चुके हैं। अच्छा, तो चाइनीज़ में काम करते थे कहीं रेस्टोरेंट में कहीं कहीं, तो कहीं सैलरी की प्रॉब्लम, कहीं कुछ। जिंदगी की भाग दौड़ में बहुत लोग जिंदगी के साथ भागते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप खामोशी से जिंदगी को भागते देखते हैं, पर इस खामोशी में उनके अंदर कितना शोर होता है, आज हम ये जानेंगे। आज हमारे साथ गोल्डन बॉय यानी मिस्टर जग्गू जी हैं, जो आपको जनपथ या सीपी में मिल जाएंगे, और आज हम उनके बारे में उनसे थोड़ा जान लेते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसी चल रही है जिंदगी? हम सुबह घर से निकलते हैं, आते हैं सीपी में जी, आके स्टैचू बनते हैं, और जो खादी इंडिया है वहाँ 4 घंटे नॉन स्टॉप खड़े होते हैं, अपने आप को कंट्रोल करके लोग आते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और कई कई लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये स्टैचू है, कोई लोग बोलते नहीं इंसान है, तो आपस में दो वो लोग शर्त लगा लेते हैं कि नहीं स्टैचू है या इंसान है, तो ये चीज़ें हमें अच्छी लगती है। काम पसंद आता है आपको? ये काम हमें स्टार्टिंग में पसंद नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है हमें घबराहट सी होती थी, क्या होगा, कौन क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। स्टार्टिंग में मैं जब तैयार हुआ तो कुछ दिन तक मैं परेशान रहा, लोग हाथ पैर कांपने लगते थे, तो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करता था, बीच बीच में वाशरूम आने लगता था, तो अपने मतलब एक बात आई कि नहीं, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। तो हम खड़े होने के बाद 4 घंटे नॉन स्टॉप सब कुछ को रिलैक्स होकर रहते हैं, अपने बॉडी को पहले 20 मिनट पहले तैयार होने से 20 मिनट पहले अपने बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं कि हाँ, हम अब 4 घंटे खड़े हो सकते हैं, जब भी हम जाते हैं और वहाँ आगे खड़े होते हैं। बात बताइए, कितने दिन से कर रहे हैं आप ये काम? ये हम कर रहे हैं 2 साल से। इसके पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले हम नोएडा में जॉब करते थे, तो कहीं जॉब करते थे, कहीं सैलरी नहीं मिली, मतलब ये प्राइवेट जॉब, हम चाइनीज़ फास्ट फूड का सेफ भी रह चुके हैं। अच्छा, तो चाइनीज़ में काम करते थे कहीं रेस्टोरेंट में कहीं कहीं, तो कहीं सैलरी की प्रॉब्लम, कहीं कुछ, मतलब बिहेव अच्छा नहीं होता किसी का, तो इन चीज़ों से हम परेशान होकर हमने ये चीज़ अपनाया। इंडिया गेट में मेरा एक दोस्त था, गोल्डन बॉय गोल्डी था, उन्होंने मुझे बताया कि इस काम को करो, इज्जत मिलेगी, पैसे मिलेंगे थोड़ा बहुत, उसी से किसी तरह गुजारा करो, अगर लाइफ में कुछ करना है तो आगे बढ़ना है, तो उनकी बात से मैं यहाँ पे काम करने लगा, इस चीज़ को करने लगा। तो मेरी इनकम ज़्यादा नहीं है, मेरी इनकम 200-250 ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। क्यों? लोग आते हैं, हाथ मिलाते हैं, और फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। इंडिया गेट में मेरी बीवी चाय बेचती है, क्योंकि अकेले से घर से चलने वाला नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूरी मुझे काम करवाना पड़ रहा है। वो इंडिया गेट में चाय बेचते हैं घूम घूम के, वो भी कोई स्टॉल नहीं, कोई दुकान नहीं। मेरी एक छोटी लड़की है, वो गांव में रहती है अपने नानी नाना के पास, 6 साल की लड़की है मेरी। अच्छा, उन्होंने कहा काम करो, गुजारा होगा, जितनी आपको मिल जाती है, जितनी इनकम हो जाती है, उससे गुजारा हो पा रहा है? दिल्ली जैसे शहर में गुजारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ज़िंदगी कट रही है। हम भी चाहते हैं कि अपनी बेटी को अच्छी लाइफ दें, अपनी पत्नी को काम ना कराएं, घर बैठ के खिलाएं, माँ आपको अच्छी ज़िंदगी दें, लेकिन मेरे पापा जो है विकलांग हैं, तो इससे इस परेशानी देख के, तो गोल्डी ने कहा मुझे इंडिया गेट में गोल्डी गोल्डन बॉय अभी थे, वो अभी है नहीं। अच्छा, अभी मुंबई में फेमस हो गए, इसीलिए नहीं आ पा, हमें हमसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस काम को करो, आज या कल या कभी, आज न कल, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है तो मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल कामयाबी ज़रूर मिलेगी, इसीलिए इस काम को हम कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ तो मुझे इस काम से मतलब मन उतर गया कि नहीं यार, ऐसा है वैसा है, कमाई नहीं है, तो मैं छोड़ चुका 3-4 दिन के लिए। फिर फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, नहीं करो, बाकी हम घर संभालते हैं, किसी तरह गुजार करते हैं, काटते हैं, सब कुछ करते हैं, तुम इस काम को करो, हम बाकी घर संभालते हैं, तो मैं इस काम में फिर दोबारा आया।
अच्छा, घर वाले सपोर्ट करते हैं यार। और बेटी आपकी, उसको पता है? हाँ, पापा उसकी गोल्डन वो है। मैं चाहता हूँ अपनी बेटी की नज़र में हीरो बनके दिखाऊं एक दिन। बिल्कुल आप हीरो होंगे उसकी नज़र में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेटी आपकी कब आएगी? आप सोचा है कभी शहर वहर में लाने में, दिल्ली में लाने, यहाँ पढ़ाने? नहीं, वहाँ छोड़ दिया है। ये गाँव में स्कूल में एडमिशन हो गया है, नर्सरी में, तो जाते हैं हर 3 महीने में जाते हैं ऐसे मिलने के लिए। 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में दोनों मिल के जाते हैं, पति पत्नी मिल के जाते हैं, मिल के आते हैं उसे। जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म हुआ है मालदा टाउन, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, लेकिन मेरी परवरिश जो है कटिहार में हुई है, बिहार में। हमने हिंदी पढ़ाई की है, ज़्यादा नहीं की है, 8वीं तक किया है, इसीलिए कि पापा विकलांग थे, ज़्यादा पढ़ा नहीं पाए। हम 6 भाई 2 बहन हैं। कोई बचपन में ऐसी इच्छा थी कि ये करना था? खैर जिंदगी कुछ और करा गई, पर मन कुछ और होता है इंसान। बचपन से शौक था डांसर बनने का। अच्छा, डांस देखते थे बचपन, शौक था डांसर बनने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो धीरे 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 काम करते करते ये चीज़ नज़र में आया, इस चीज़ को हम करने लगे तो मुझे अच्छा लगने लगा। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत भी लोग देखे हैं जो कुछ कामों को छोटा मानते हैं, कभी कोई ऐसे लोग मिले हैं जो छोटा समझते हैं इस काम को? बोलते हैं आज कोई आते हैं, ये भीख मांग रहा है, ये भीख मांगने का नया तरीका है, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो हर चीज़ को सहना पड़ता है। कई बार मैंने सोचा, फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट हुआ 5-6 दिन के पहले की बात है, लोग कान में आके बोलते हैं कि तुम्हारा अच्छा तरीका भीख मांगने का, तो मैंने इस काम को छोड़ दिया। फिर नहीं, लोग तो बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे जवाब देंगे, तो फिर भी अपने आप को जो है बिल्कुल अंदर से फीलिंग आ गया, नहीं बिल्कुल दो कान से, इस कान से सुनो, कान से निकाल दो, इस काम करते रहो। लोग बहुत सारे बातें बोलते हैं लेकिन सबको सुन के आदेश करते हैं। चलिए, वैसे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जहाँ आप कुछ नया करने जाओगे लोग टोक ही देते हैं, मजाक तो उड़ाते रहते हैं। वैसे सबके ना एक सपनों का घर होता है कि मेरा घर ऐसा होता, मेरा घर वैसा होता, आपके सपनों का घर कैसा होगा? मेरा सपनों का घर बस मेरी बेटी अच्छे उसकी पढ़ाई हो जाए, अच्छी परवरिश हो जाए, और अपना एक घर हो जहाँ हम पति पत्नी माँ बाप के साथ सब रह सकें। बस छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा ही हो। अभी हम किराए मकान में रहते हैं, छोटा सा अभी तो छोटा ही बहुत है मेरे लिए, अपना अपना हो जाए तो, क्यों हम किराए पर रहते हैं तो किराएदारों के लिए छोटा ही बहुत होता है। बहुत ज़्यादा मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपको कि जल्दी आपका घर हो। बेटी को कहाँ तक पढ़ाने का सोचा है? जहाँ तक पढ़ा सकें, देखिए कम से कम सोचते हैं डॉक्टर बनने का सपना है मेरा, डॉक्टर बनाए बेटी को। अच्छा अच्छा, एक ही बेटी है आपकी? हाँ, एक ही बेटी है। वैसे अब गांव साइड में बहुत लोगों का ये भी होता है कि बेटा बेटा, आपके मन में भी कुछ ऐसा आया कभी? नहीं, बेटी मेरे लिए सब कुछ है। आज शादी के 8 साल हो गए मेरे, बेटी मेरी 5-6 साल की है, ठीक है। बेटी के बाद कोई सपना नहीं है मेरा भी, जब तक मैं कुछ कर ना लूँ, बनना चाहूँ, तब तक कोई सपना नहीं। अच्छा, आप कह रहे थे आपकी पत्नी इंडिया गेट पे चाय बेचती है, कोई स्टॉल नहीं है उनका, ये बताइए आप लोगों का खाना पीना कैसे मैनेज होता है? मान लीजिए वो यहाँ है, आप यहाँ हैं, खाते कब हैं आप? वो हम जाते हैं सुबह, निकलते खा के निकलते घर से। कितने बजे निकलते हैं? सुबह निकल जाते हैं हम 9 बजे करीब, निकलते घर से खाना पीना खा के निकलते हैं, दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, खाना बना खा के दोनों निकलते हैं, वो इंडिया गेट चले जाती है, मैं इधर आता हूँ। यहाँ से हम रात को जाते हैं घर अपने 9:30 बजे करीब, पहले जाते हैं इंडिया गेट, इंडिया गेट में 2-3 घंटे से उसका हेल्प करते हैं चाय बनाने में, फिर आके अपने कमरे में दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और खा के रेस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, और बताइए कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में। फ़ोन वोन में जैसे कौन सा फ़ोन है, बड़ा वाला फ़ोन है, छोटा वाला फ़ोन है? वो है वीवो का फ़ोन, बड़ा ही है। तो मतलब आजकल तो इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह बहुत चल रहा है? मेरा यूट्यूब इंस्टाग्राम मौज में चैनल है, आप लोग की बस लाइक सपोर्ट करें, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब फॉलो। मेरा आईडी है गोल्डन बॉय जग्गू के नाम से। अच्छा, आप क्या देखते हैं इंस्टाग्राम पे? चलिए आपने अपने बारे में तो लोगों को बता दिया, पर आप क्या देखते हैं? ऐसा कोई क्रिएटर कुछ ऐसा हो जो आपको पसंद हो? मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है, कॉमेडी देखता रहता हूँ। फिल्में देखते हैं? हाँ, फिल्में भी देखते हैं। कोई पसंदीदा हीरो? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, कोई पिक्चर याद है उसकी? क्रिश। क्रिश थिएटर में देखी थी या ऐसे देखी थी? नहीं, थिएटर में देखी थी, 16 बार देखी है। 16 बार कटिहार में? कटिहार में। अच्छा, यहाँ दिल्ली आके कभी थिएटर गए हो? नहीं, दिल्ली आके थिएटर नहीं गए। अच्छा, दिल्ली में आप कितने साल पहले आए? दिल्ली में हो गए मेरे 15 साल हो गए। 15 साल, इन 15 सालों में दिल्ली शहर आपके लिए क्या है, क्या कुछ दिया है दिल्ली ने, क्या कुछ लिया है दिल्ली ने? दिल्ली आके जो है मेरा घर परिवार चल रहा है, मेरे माँ बाप को हर महीने पैसे भेजते हैं, पति पत्नी तो शादी बाद में हुई है लेकिन माँ बाप को पैसे भेजते हैं, भाई बहन सब छोटे छोटे थे अब बड़े हो गए हैं, तो खर्चा मेंटेनेंस करते करते मेरा 15 साल यूँ ही निकल गया है। मतलब आप कहेंगे कि दिल्ली शहर आपके लिए अच्छा रहा? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है दिल्ली शहर। यहाँ आके मुझे
अच्छे से खाना पीना अच्छे से रहना, मेरे माँ बाप खुश हैं कि नहीं मेरे बेटा जो है पैसा भेजता है तो हम घर में अच्छे से खा दो रोटी खा पाते हैं। दिल्ली शहर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? यहाँ के लोग अच्छे हैं, ये जगह अच्छी है। अच्छा, जैसे हर इंसान के ज़िंदगी में कोई एक ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि अब हो नहीं पा रहा, जैसे एक मुश्किल वक्त होता है, इंसान निकल ज़रूर जाता है पर वो चीज़ रह जाती है उसके साथ। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको याद हो कि ये बहुत मुश्किल वक्त था, ये कट गया तो अब शायद मैं ज़िंदगी में कुछ भी काट लूँ। जब इस काम को मैंने स्टार्टिंग किया जी, मैंने काम तीन महीने से काम में जॉब ढूंढ रहा था कि और दूसरा सा काम मिल जाए, कहीं मिल जाए ऐसा काम, काम कहीं मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा फिर से चलते हैं गाँव, अब टूट गया दिल से दिल, चलते गाँव। फिर इंडिया गेट गया, इंडिया गेट में एक किसी तरह से बात किया तो वहाँ पर उसके चाय का काम हो गया। मैं वहाँ पर चश्मा बेचने लगा तो चश्मा भी कमाई नहीं हो रही थी। फिर गोल्डी भाई ने बताया कि मुझे ये काम करो तुम, देखना तुम्हारा जो है थोड़ा मोड़ा घर का खर्चा भी चलेगा और कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में, अगर करना है तो इस काम करो। क्योंकि आज मेरे दोस्त कबीर शर्मा शो में, मुंबई में और मूवी में जा चुका है और वो बहुत फेमस हो चुका है। बस वही सपना है कि मैं भी उसकी जैसा एक बार बन जाऊँ। बिल्कुल बन जाएंगे आप। अच्छा, वैसे और कोई दिखाया आपको अपने जैसा यहाँ पे? एक तो वो है जो मुंबई चले गए। हाँ, मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पे, एक और दोस्त हैं जहाँ मैं खादी इंडिया के सामने खड़ा होता ना जी। एक दोस्त और है मेरा, वो शाम को वहाँ पे खड़े होते हैं। वो आते हैं वही 5 बजे आते हैं और 7 बजे चले जाते हैं। अच्छा, वो 2 घंटे के लिए। हाँ। अच्छा, कितना मुश्किल होता है ऐसे इंसानों की दुनिया में ऐसे पत्थर की मूर्त की तरह बन के खड़ा होना? स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि कैसे खड़ा होऊंगा, किस तरह रहूंगा, किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा, लोग हंसाते हैं मजाक करते हैं, तो अजीब फीलिंग हो रहा था स्टार्टिंग में। आप तो प्रैक्टिस हो चुकी है कि हाँ 4 घंटा हम, कभी मन नहीं करता किसी को पलट के जवाब दे दे, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं मजाक उड़ा देते हैं, बहुत गंदे गंदे जवाब भी लोग बोलते हैं, कभी मन नहीं किया? मन तो बहुत करता है, सिर की अपना कंट्रोल करना पड़ता है कि छोड़ो उनका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। अच्छा, वैसे कहा जाता है जीवन की एक ही सच्चाई है मृत्यु, कभी सोचा है इसके बारे में? वो तो जो लिख के आया ऊपर से, इस टाइम फिक्स है उसका, जब उसका मन होगा वो नहीं उठाएगा, तो टाइम फिक्स है, जब ले जाएगा ले जाएगा। लेकिन जब तक इंडिया में मतलब अपने देश में अपने जमीन मिट्टी पर हैं, अपनी जमीन पर है मतलब मिट्टी धरती माँ के ऊपर रह रहे हैं, तब तक जब तक जी रहे हैं तब तक अपने आप को ऐसा करके जाना है, ऐसा कुछ करके जाना है जो नाम ले सब कोई। मौत से डर लगता है? डर तो अरे बहुत लोग कहते हैं उन्हें डर नहीं लगता, इंसान को डर लगता है कि अगर हम मर जाएं तो मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, बच्चे को कौन देखेगा, सबको डर लगता है। लेकिन ये तो होता ही है, हर इंसान के साथ होता है। चलिए, मौत तो एक डर है, ऐसा कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत डर लगता हो मौत के अलावा? जैसे कुछ लोगों को अपने माँ बाप से बहुत डर लगता है, हमको लगता है, बता रहे हैं हमको लगता है बस उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दे, कोई गलती ना हो जाए। आपको कभी किसी चीज़ से डर लगा हो, किसी इंसान से डर लगा हो? मुझे अपनी बीवी से डर लगता है इस हालत में हूँ मैं। हाँ। उसको मैं कमा के नहीं खिला पा रहा हूँ ढंग से जी, कहीं मैं छोड़ के ना चला जाए वो। देखिए, अगर वो आपके साथ रह के और अब तक रह रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तो मैं तो ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो नहीं जाएगी। अरेंज मैरिज हुई थी आपकी? नहीं, लव मैरिज हुई है। अरे थोड़ा कुछ बताइए, कैसे मिले, क्या हुआ? हम जो है अपने वाइफ के मामा के पास जॉब करते थे। अच्छा, गाँव में ही? अच्छा, यहाँ से गाँव गए थे सब कुछ छोड़ के, गाँव में मनीला दिल्ली में गाँव गए थे जी। तो वो उनके मामा का वेल्डिंग का काम था, तो उनके पास हम वेल्डिंग का काम करने लगे जी। तो करते करते उनके घर में कोई शादी पार्टी फंक्शन था, मतलब उनके मामा का लड़की का जो है वो अन्नप्राशन होता है, उसमें हम खाना बना रहे थे। अच्छा, तो मैं फास्ट फूड का कारीगर हूँ। अच्छा, मैं खाना बना रहे थे। अच्छा, तो खाना बनाते बनाते जो है उनके मम्मी पापा ने, सॉरी उनके पापा नहीं है, मम्मी। हाँ। उनके मम्मी, उनके भाई ने मुझे पसंद कर लिया और इस लड़की ने मुझे पसंद कर लिया। अच्छा, तो फिर भी उसके भैया ने बोला, मना कर दिया, नहीं ये इसके पास क्या है, ना रहने को घर है, किराए पे रहता है, ना कुछ है, एक तुम इसे ना इसका कोई काम है, अभी काम है तो काम सीख रहा है बिल्डिंग में, समय काम सीख ही रहा था, 100 रुपये एक दिन का 100 रुपये में क्या होता है, तो मैं काम सीख ही रहा था। फिर भी इस लड़की ने बोला, नहीं मुझे इसी के साथ ज़िंदगी काटनी है, मैं शादी करूँगा, ऐसी करूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। अरे भाई साहब, कितने साल हो गए, कितना वक्त हो गया शादी को? शादी का मेरा कितना, शादी का 8 साल हो गया शादी के, और मेरा जो लव मैरिज हुआ वो मतलब 20 दिन के अंदर ही शादी हुआ है। 20 दिन के अंदर ही? इतने पसंद आ गए आप लोग, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। वो क्या कहते हैं, चट मंगनी पट ब्याह, ऐसा ही कुछ होता है? कोई ये नहीं देखा कि क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कहाँ रखेगा। मैंने उसे कहा भी कि मैं कहाँ रखूँगा, तो मेरा बस घर है, रहने को
चमत्कार होगा। उन्होंने कहा आम के बगीचे में अगर तुम पिंडी बांध के रहोगे तो भी मैं रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। भाई आपकी कहानी सुन के यकीन हो गया कि मतलब इंसान को प्यार हो जाए तो वो कहीं भी रह सकता है। बहुत अच्छी बात है, वो चीज है जो इंसान के पास हो जाए। फिर तो अच्छा आपके घर वाले मान गए थे? मेरे घर वाले मान गए थे, उसके घर वाले नहीं माने थे। अच्छा, तो 20 दिन में बना लिया आपने। जब लड़की वाला लड़की ने बोला अपने बाप को जी, मतलब ऐसी से बातें बोला कि उनके माँ भी मान गए, इसे शादी नहीं करवाओगे तो मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारी बातें डरा के जो है उनके माँ बापों से मना लिया। इतना लड़की आई है तब छोड़ के तो नहीं जाएंगे, देखिए ये बात तो हम भी बता रहे हैं आपको। अभी तो ठीक है, आगे भविष्य की बात बता रहे हैं। अच्छा, सबके इंसान में अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। आपको कोई ऐसी अच्छी सी कोई याद हो कि ये वक्त बहुत अच्छा था, ऐसे बचपन का कोई किस्सा हो या शादी के बाद का कोई किस्सा हो, शादी के पहले का कोई किस्सा हो, या अभी इन दिनों कोई बहुत अच्छा इंसान मिला हो जो आपको याद हो? जब हमारी लाइब्रेरी से शादी हुई हमारी, तो मैं माँ बाप के साथ अच्छी फैमिली मिल गई मुझे, कुछ दिन मेरा अच्छा बहुत अच्छा गया। जब देखा कि हाँ परिवार में क्रेसिस आने लगी, पैसे की प्रॉब्लम होने लगी, तब भी दिल्ली आया हूँ। दिल्ली में जाने का मेरा मन नहीं था, यहाँ से जाने के बाद गाँव गया था ना, तो तब यहाँ का काम वही जो काम करने सैलरी ना मिले, काम करने के बाद काम छोड़ दो तो सैलरी के लिए दौड़ते रहो, सैलरी ना मिले, इन चीज़ों में परेशान हो गया था। नोएडा में जॉब करते 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 अपनी फैक्ट्री खोली थी मैंने, लेकिन फैक्ट्री में भी घाटा हो गया, पार्टनरशिप में फैक्ट्री खोली और भी घाटा हो गया, तो वहाँ से बिल्कुल टूट चुके थे, फिर हम वापस चले गए। तो अच्छा, जब मेरी बीवी आई मेरे पास वो दिन अच्छा था, और जिस दिन मेरी बेटी जन्म हुई ये दिन मेरे लिए बहुत। कब है बेटी का जन्मदिन? 5 फरवरी। 5 फरवरी, सॉरी 5 नवंबर। इतना अच्छा दिन है आपको याद ही नहीं? 5 नवंबर। अच्छा अच्छा, और आपके हिसाब से जिंदगी क्या है? जिंदगी एक लड़ाई का हिस्सा है, लड़ते 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 आगे बढ़ना है, कोई कुछ बोले तो सुनना नहीं है, अपने आप को कुछ कामयाब होना चाहते हो आप लोग तो कुछ बन के दिखाओ। लोग जब चलोगे आप तो बहुत सारे कांटे मिलेंगे, बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे, सबको पार करके अपने आप को जो है आगे बढ़ना है और कामयाब बनाना है, जो लोग देखे बोले ये है। और जब मैं ये चाहता हूँ इस काम को करने से, मुझे ये चाहता हूँ मैं कि जब मैं कुछ बन जाऊँ तो मेरे पापा जब घर से बाहर निकले तो मेरे पापा को कोई बोले ये देखो वो जा रहा है जो बहुत कष्ट करके अपनी ज़िंदगी को संभाला है, और वो उसका बेटा पापा जा रहा है, गोल्डन बुआ का बेटा, अभी जग्गू का नाम जानते हैं जी, लेकिन उस टाइम बोले कि गोल्डन बुआ का बेटा है, पापा जा रहा है। अच्छा, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके। मेरी बेटी की नज़र में अपने आपको हीरो बनकर दिखाना चाहता हूँ, ताकि बोले मेरी बेटी कि पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और वो है मेरे पापा। बिल्कुल बोलेगी वो। वैसे आप हमसे उम्र में या एक्सपीरियंस में बहुत बड़े हैं, आप हमें कुछ बताना चाहें, कोई ऐसी सलाह जो आप मुझे देना चाहें या हमारे जैसे जनरेशन को देना चाहें? आप कुछ भी कर रहे हैं तो मेहनत कीजिए, पीछे मत हटिए। कई सारी परेशानियां आपके अंदर आएगी, आप नहीं सबके वाले सबके लिए कह रहा हूँ मैं, कई सारी परेशानियां आपके अंदर आएगी, आपको बहुत सारे लोग आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे, कोई बोलेंगे अरे छोड़ो, नहीं कोई कुछ ही बोले, जो आपने टारगेट कर रखा है उस टारगेट को आप पूरा कीजिए। कठिनाई परेशानियाँ ये तो ज़िंदगी का जो है होता ही रहता है, तो अपने आप को कामयाब बन के दिखाना लोगों को। जी जी, अच्छा इतनी मुश्किल भरी ज़िंदगी है, इसमें अपने आप को खुश कैसे रखते हैं? खुश रखते नहीं है, खुश रखना पड़ता है अपने आप को। कई सारे दुख आते हैं, याद आती है बेटी की, अरे घर जब रात को सोते हैं तो याद आता है, बात करते करते आँखों से आंसू निकल आते हैं कि घर जाऊँ बेटी से घर मिलूँ, लेकिन क्या करें, सबको हर चीज़ कठिनाइयाँ छोड़ के मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। सोचते हैं कि चले चले आएंगे, फिर फ़ोन कर अपनी वाइफ को बोलते चलो घूम के आते घर से, फिर सोचते हैं घर चले आएंगे, यहाँ का कमरा किराया है, वहाँ का कमरा किराया है, क्या खर्च करेंगे, कहाँ से एडमिशन पूरा करेंगे, कहाँ से स्कूल का फीस देंगे, कहाँ से ट्यूशन की फीस देंगे, ये सब सोच के अपने आप को कंट्रोल करने पड़ते हैं, और अंदर की फीलिंग छुपा के ऊपर से हंसना पड़ता है कि लोगों को ये ना लगे कि ये दुखी है, क्योंकि दुखियों को लोग दुखी देते हैं, खुशी नहीं देते हैं, जो खुश है उसे ही खुशी देते हैं। मतलब खुश रहना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है, मजबूरी में इसे ही हंसना पड़ता है। अच्छा, और जाते जाते अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि
कि आप भी अपने आप को कुछ करके दिखाएं। इस ज़िंदगी में जो है कुछ बनोगे आप तो ही लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपका नाम लेंगे। अपने आप को कमज़ोर कभी मत समझना चाहिए, कभी नहीं। कई सारे परेशानियाँ आएंगी आपको, लेकिन हर परेशानियों से निकल के आपको आगे बढ़ना है। बस नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप भी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमें ये बताइए कि अगर लोग आपसे मिलना चाहें तो कहाँ जाके मिल सकते हैं? खादी इंडिया के जस्ट सामने में, और ये इंडिया गेट। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कीप वॉचिंग एबीपी लाइव पॉडकास्ट।